हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके साथ कांजीवाड़ा रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसको मैंने एक स्मोकी फ्लेवर दिया है जिससे इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें यूज होने वाली सामग्री इस प्रकार है। एक कटोरी उड़द दाल, राई पिसा हुआ, भुना हुआ जीरा, काला नमक, सफ़ेद नमक, सरसों का तेल और हींग। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने उड़द दाल को 4-5 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। अब उसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस देंगे। दाल को अच्छे से पीसना है। ये हमारी दाल पीस चुकी है। अब हम एक गीला कॉटन का कपड़ा लेंगे और उसको एक मीडियम साइज की कटोरी में ऊपर से ऐसे अच्छे से बांध लें। कपड़े को हमें नीचे से अच्छे से टाइट करना है। कपड़े पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे और पिसी हुई दाल में से एक छोटी सी लोई बनाकर ऐसे रख दें। उसको हल्के हाथ से बहुत थोड़ा सा गोल करते हुए शेप दें और बीच में एक छोटा सा होल कर दें। इसको हल्के हाथ से उठाते हुए गरम ऑयल में छोड़ दें। यहाँ पर बड़े को मैंने थोड़ा अलग शेप्स में बनाया है। इस तरह से बनाए हुए बड़े देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये देखिए, हल्का शेप देकर बीच में एक होल कर देंगे और धीरे से फिंगर्स की हेल्प से उठाएंगे। अब उनको पलटते हुए धीमी आंच पर सेकते रहेंगे। ये देखिए, अब हमारे बड़े गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब इनको ऑयल में से निकाल लेंगे। अब हम पानी की बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम एक छोटा सा गोबरी का टुकड़ा लेंगे। इसको उपला भी बोला जाता है। इसका छोटा सा टुकड़ा लेकर गैस पे गर्म करने रख देंगे। जब ये कोयले की तरह हो जाएगा तब इसको एक छोटी सी कटोरी में निकाल लें। इस पर 2-3 बूंद सरसों का तेल और छोटा सा हींग का टुकड़ा रख देंगे। अब इसका स्मोकी फ्लेवर आना शुरू हो गया है। इसको हम एक बर्तन में अंदर रखकर ऊपर से बर्तन को ढक देंगे। इधर हम पानी गर्म करने रखेंगे। पानी को ज्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गुनगुना ही रखना है। जब पानी गुनगुना हो जाए उसको उतार कर उसमें पिसा हुआ राई,
या आप सरसों भी ले सकते हैं, थोड़ा सा काला नमक और सफेद नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार रखना। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इधर हमारा दूसरा बर्तन अच्छे से स्मोकी हो गया है, हम कटोरी निकाल लेंगे और अपने बर्तन में मसाला मिक्स वाला पानी डाल देंगे। इसको धीरे धीरे हल्के हाथ से अच्छे से घुमाएंगे, जिससे स्मोक पानी में अच्छे से घुल जाए। अब हम इसमें अपने सिके हुए बड़े डाल देंगे और ढककर 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ दें। कांजी वड़ा सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। इसमें हल्का हल्का खट्टा आ गया है। सर्व करते हुए बड़े के साथ हम थोड़ा पानी भी सर्व करेंगे। अब इसके ऊपर भुना हुआ जीरा डालकर सर्व करें।